भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने हमला करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 96 पेज का जुमला पत्र जारी किया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में लाडली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा एमएसपी की बात करती है, लेकिन भाजपा शासित 10 राज्यों में कहीं भी एमएसपी लागू नहीं है। संकल्प पत्र में भाजपा सिर्फ किसानों के साथ ठगी करने के जुमले दे रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं से करूंगी, क्योंकि महिलाओं को जो छलता है वो कहीं किसी का सगा नहीं है। अपने आप को मामा जी कहलाते हैं, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई है, लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे, 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है, एक जगह ये नहीं बोला गया कि लाडली बहन योजना जो होर्डिंग में लगा हुआ है वो मतलब झूठ है। इस घोषणा, इस जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। अपनी बहनों को जो छलता है वो मामा क्या कहलाता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर्व पर त्योहार के पहले मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? हमने तो 1500 रुपए सब महिलाओं को देने की बात करी है। गैस सिलेंडर पे आ जाइए, इसमें सस्ते गैस सिलेंडर का उल्लेख है। कैसे भरोसा किया जाए? 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में तो कम किया होता तो हम मानते कि हाँ ये कर सकते हैं। हमारी सरकार राजस्थान में है, हम वहां 500 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं और सीना ठोक के कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी देंगे और सब महिलाओं को देंगे। हम सिर्फ पीएम उज्ज्वला वालियों को नहीं देंगे, यहाँ पर 82 लाख पीएम उज्ज्वला महिला लाभार्थी हैं, उसमें से 44 लाख ने तो एक साल में एक भी सिलेंडर नहीं भराया और 18 लाख ने मात्र एक भराया। तो असलियत एक ये है कि महिलाओं को छलने का इस जुमला पत्र ने बखूबी काम किया।